Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसी किसी का भी नाम कैसे लिखते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर आपने कख गख का इंग्लिश तो बताया ही नहीं उसमें कि कख गख का इंग्लिश। तो ठीक है, कख की इंग्लिश आप किसी भी बुक से, बच्चों के बुक से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने उसमें एक तरीका बताया था कि किस तरह से हम नाम लिखते हैं, एकदम ईजी मेथड बताया था और सबको पसंद भी आया और सब पसंद कर भी रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल ही आपको बिल्कुल क ख ग का भी इंग्लिश नहीं आता है वहाँ से मैं सिखाऊंगा कि इंग्लिश शुरू कैसे करना है। एक्चुअली मैं इंग्लिश शुरू कैसे करना है, मेरे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोग भी ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको क ख ग भी नहीं आता है। मीन्स उसको अगर कुछ बोला जाए हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी, तो एक शब्द भी नहीं लिख सकते हैं। उनको भी मैं सिखाता हूँ हिंदी लिखना भी और इंग्लिश लिखना पढ़ना भी सिखाता हूँ और बोलना भी सिखाता हूँ। तो बहुत इजी है, बस ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सीखना शुरू कहाँ से किया जाता है। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, ए बी सी डी आता है, अगर वो नहीं भी आता है तो ए बी सी डी आप कहीं से याद कर लेना, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, बड़ी और छोटी दो ही, स्मॉल और कैपिटल ए बी सी डी, यानी बड़ी वाली और छोटी वाली, दोनों ए बी सी डी आप अच्छी से याद कर लेना, फिर उसके बाद ये क्लास आपके काम आएगी। बिल्कुल ही शुरू से बताऊंगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये मैं बताने के बाद आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो, बिल्कुल ही नहीं जानते, बिल्कुल शुरू से आप सीख रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का जिसमें मैंने नाम लिखना सिखाया है, किसी का भी किसी भी तरह का नाम हो उसमें आप देख कर सीख सकते हो, अगर ये आप जान जाओगे तो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एबीसीडी की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही यह क्लास काम में आएगा, वरना आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, ये मैंने क से पूरा ग तक इंग्लिश लिखा हुआ है, आप इसको एक नज़र इस पर मार लो अच्छी तरह से और इसको आप देख लो, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको आप देख लो, नोटबुक में लिख लो, बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ शुरुआत करने की कि शुरुआत कैसे करते हैं। तो ये आप क ख ग घ का इंग्लिश आपने देख लिया, ये सारी क ख ग घ की इंग्लिश है, ग तक है, और ये है अ आ ई की इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको शुरुआत कहाँ से करना है, पहले आप इन सारी चीज़ों को आप याद कर लो अच्छी तरह से, पूरा याद कर लो, याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस आप 15-20 मिनट आधे घंटे में याद कर सकते हो आप, बस आप अच्छी तरह से देखना इसको, याद करके एक बार लिख लेना, फिर भी याद नहीं हो अच्छे से तो फिर से एक बार पढ़ लेना, फिर लिखना, याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम नाम लिखना शुरू यहाँ से करना है, जैसे हमने लिखा कमल, यहाँ से शुरू करना है, कमल लिखा तो कमल में क का मतलब के ए होता है तो के ए ही हम लिखेंगे, और म का मतलब एम ए होता है तो एम ए ही लिखेंगे, और ल का मतलब एल ए होता है लेकिन लास्ट में हम ए नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं लिखते हैं जबकि ल का इंग्लिश एल ए होता है, तो क्यों इसीलिए नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ पर शब्द ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी शब्द नहीं आने वाला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम शब्द कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आ रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो उसी शब्द में ए लगाएंगे, अगर कहीं रुकावट आ गया तो वहाँ ए नहीं लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कमल, तो कमल में ए लास्ट में हम किसी में भी ए नहीं लगाएंगे। अभी हम लिखते हैं पवन, पवन, तो प पी ए और डब्ल्यू ए, इसमें मैंने व का इंग्लिश लिखा है, वी ए और डब्ल्यू ए दोनों ही होता है, वी ए भी होता है और डब्ल्यू ए भी होता है, अब दोनों में से कोई भी एक लिख लेना, तो प व न इसमें ए नहीं लगाएंगे। आपको यही समझना है इसमें कि ऐसा तीन अक्षर वाला हम जब नाम लिखते हैं तो इसमें लास्ट में ए नहीं लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में ए नहीं लिखेंगे। मैं एक क्यों नहीं लिखेंगे और एक किस में लिखेंगे
वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इसमें से कुछ लेते हैं, जैसे अमर हो गया, अमर अमर, तो अ, ठीक है। अ का इंग्लिश क्या होता है? अ ही होता है, ए होता है। अब इसमें ये मत सोचना कि इसमें ए लगाया जा रहा है तो इसमें भी ए लगा देना। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं अमर, तो दिस इज अ रॉन्ग। यहाँ पर ये ए नहीं होगा बल्कि सिर्फ ए आएगा तो अमर होगा, ठीक है। इसमें भी लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। अगर हम कुछ लिखते हैं उसर, उसर, उ का इंग्लिश होता है यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब यू में ए मत लगा देना। जो इसका इंग्लिश है इसका अलग है, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है। इसका जो इंग्लिश है वही लिखेंगे, इसमें ए अलग से नहीं लगाएंगे। तो यू एस ए आर, उसर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लिखेंगे औरत, औरत, तो औ का इंग्लिश ए यू होता है तो ए यू ही लिखेंगे, इसमें हम अलग से ए नहीं लगाएंगे, औरत, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द लिख लो तीन तीन अक्षर के, अमर, कमल, पवन, गगन, दमन, कुछ भी शब्द लिखते जाओ, भले ही वो नाम हो या ना हो, कुछ भी शब्द लिखते जाओ, खपच, डबक, जहर, खरत, खपच, ओ शपथ, कुछ भी लिखते जाओ। यहाँ पर इसमें भी उसर, औरत, ओखल, एनक, ऐनक, ऊनक, ईद, ऊद, ये सब कुछ भी लिख दो पूरा हिंदी में। उसके बाद उसका इंग्लिश लिखने की आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो उसका, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप लेना है। उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में कुछ भी आप लिख दो इन्हीं का मदद लेके, इनमें से कोई उठाओ और कोई कुछ भी लिख दो, इनमें से कोई अक्षर उठाओ, ट उठा दो, फिर क उठा दो, फिर ड उठा दो, कुछ भी उठा के लिख दो, लिखते जाओ। फिर उसका हिंदी करने की कोशिश करो आप, हिंदी, ए आ ए है, ए का मतलब अ होता है अ, फिर एम ए है तो एम ए का मतलब इधर आप ढूंढ लो, म कहाँ है, इसमें है म, तो ये म हो गया, फिर एन का मतलब न, अमन। इस तरह से आपका आप इसका हिंदी करते जाओ। ड का ड लिख सकते हैं या द भी लिख सकते हैं, फिर ब, बी ए का ब, फिर र, फिर ह, एच ए है तो ह होगा ह, फिर आर ए है तो र होगा, फिर डी है तो द होगा द या ड। इस तरह से आप इंग्लिश लिख डालो बहुत सारा, फिर उसका हिंदी लिखो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप एक दिन सिर्फ प्रैक्टिस करो इसका, एक दिन पहले हिंदी लिख लो, कुछ भी तीन तीन अक्षर का लिख लो, तीन तीन अक्षर का कुछ भी हिंदी लिखते जाओ, एक पेज पूरा, दो पेज, कुछ भी लिख दो, फिर उसका इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि ये सारे के सारे अक्षर आपके दिमाग में फिट हो जाए। फिर उसके बाद इंग्लिश से हिंदी लिखो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद, इसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आपको ये चार चार, चार चार अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, चार चार अक्षर वाले आपको शब्द लिखने हैं। मैंने लिख दिया है कुछ, अकबर, अजहर, ये सब लिख दिया, ये चार चार अक्षर वाले शब्द हैं। अब इसको समझना है, देखो इसमें हल चल, हल चल, हम ब्रेक कहाँ होते हैं, कहाँ टूटता है, ये चार अक्षर वाले शब्द हैं, लेकिन हल, हल बोलते वहाँ पर ये शब्द टूट जाता है, मीन्स जो बोलने का फ्लो है वो टूट जाता है हल पे, तो हल चल, फिर हल पर रुकते हम, फिर चल बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ह फिर ल, इसमें ये नहीं लगाएंगे। ऐसे जब आप समझो कि ऐसे जब वर्ड्स आते हैं कि जहाँ पर ब्रेक होता है, मीन्स टूटता है फ्लो बोलने का, हल चल, हला चल, ऐसा नहीं बोलते ना, हला चल, पन घट, पना घट, ऐसा नहीं बोलते ना। जब ब्रेक होता है, टूटता है वो फ्लो, जिसको सिलेबस बोलते हैं, उसको हल चल, तो वहाँ पर ए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जहाँ पे हम टूट रहे हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, फिर दूसरा का इंग्लिश लिखेंगे चल, ये हो गया हल चल, यहाँ पर बीच में ये नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो गया पन घट, पन घट, तो पन, पन हुआ ना, पन, पन पे हम रुक जाते हैं, इसलिए वहाँ पे एन में ए नहीं लगेगा। जहाँ पर भी जिस अक्षर पर हम रुक जाते हैं, जहाँ पर शब्द का फ्लो टूटता है बोलने में, वहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर घट आता है तो घट, इस तरह के चार चार अक्षर वाले, तीन तीन अक्षर वाले, जब आपको बिल्कुल ही ईजी लगने लगे लिखना, इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश से हिंदी, ऐसा भी लिखना है, इंग्लिश से हिंदी, फिर आपको ईजी लगने लगे बिल्कुल ही, तब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप देख लेना कि फिर हम नाम जिसमें मात्रा आता है वो मात्रा वाला नाम कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद
उसके बाद एक और वीडियो बनाया मैंने जिसमें किसी भी हम वाक्य को, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में सिर्फ नाम के जैसा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बताया है। तो आप ये अच्छी तरह से टास्क पूरा करना। इस टास्क को पूरा करने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप 2-3 दिन में, 4 दिन में इसको टास्क को पूरा करने के बाद आप पढ़ने लग जाओगे इस तरह के इंग्लिश, फिर लिखने भी लग जाओगे। फिर उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उस लिंक पर जाकर आप अगला वीडियो देख लेना। उस वीडियो के देखने के बाद आप किसी का भी नाम लिखना आ जाएगा आपको, आप कुछ भी जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं लिखना, कुछ भी लिखना है सब आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।